हेलो गाइस, माय नेम इज राजुक्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गाइड पाथ। सो गाइस, दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th ज्योग्राफी। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से फिजिकल फीचर्स डेवलप हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप आगे देखते रहिए, एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी नई। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। और गाइज, आपको इसके नोट्स चाहिए इस चैप्टर के बेसिकली, तो एक काम कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी स्क्रीन का, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर टेलीग्राम पे हो तो गाइडेड पाथ को ज्वाइन कर लेना एंड बता देना कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में। ठीक है, सो वहाँ पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। थोड़ा अभी से आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस है रिलीव। सो इंडिया का एक बहुत बड़ा लैंड मास है। पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं इंडिया के साइज़ की। ठीक है, तो बहुत बड़ा लैंड मास है जो कि डिफरेंट पीरियड्स में बना है। ठीक है, जैसे हिमालयाज बने हैं, बहुत पहले बने हैं। ठीक है, और जो हम बात करें जो आइलैंड्स हैं वो थोड़े और पहले बन रखे, तो वो बाद में बने हिमालय के। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग टाइम पे बने हैं ये सारे फीचर्स। ऐसा नहीं कि एक साथ सारे प्रकट हो गए, इधर हो गया हमारा वेस्ट में डेजर्ट, हमारे आइलैंड हिमालय, सब एक तरफ से नहीं आया, सब अलग अलग ग्रेजुअली बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसको जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट, मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट हमको पता है ना अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले क्रस्ट है ना, फिर को मेंटल, फिर कोर। तो तीन लेयर में डिवाइडेड है हमारा पूरा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो जो अपर पार्ट है हमारा ये वाला है ना, ये वाला, ये जो है इसको क्या करते हैं, ये सात मेजर और माइनर प्लेट्स को मिलके बनाए बेसिकली। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्रस्ट है अपर पार्ट, मतलब बेसिकली उस वो क्या है, वो कुछ सात मेजर प्लेट एंड सेवन माइनर प्लेट्स से मिलके बनाए। सो मेजर प्लेट्स में आती है हमारी सात प्लेट्स, कौन कौन सी आती है हम बात करें, सबसे पहले आती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हम बात करें अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, हम बात करें नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड लास्ट पैसिफिक प्लेट। सो ये सात मेजर प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सात मेजर प्लेट्स हैं जिसको मिला के बनी है ये पूरा, हम बात करें जो लैंड है। ठीक है, और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, सम माइनर्स मीन्स 12 माइनर प्लेट्स बेसिकली हैं जो कि जानी जाती हैं, वो आप मुझे कॉन्वर्सेशन में बता देना, की ज़रूरत नहीं है उसके, इसलिए मैं मैंशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेचेज विद इन द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, एक सेकेंड, अब ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है कि जब ये क्रस्ट आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, जो हल्की वाली क्रस्ट है वो ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फोल्डिंग। ठीक है, फिल्ड फोल्डिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताना चाहूँ तो मेरे पास ये दो कॉपीज हैं, तो मैं इसके हिसाब से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो देख लेना कैमरे में दिख रहा है, तो देखो जैसे ये दो कॉपी हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये दोनों क्या है, प्लेट्स हैं, अब मैंने इसको सामने रखा है ना, सामने रख दिया, अब जो भारी वाली प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे नीचे चली जाएगी, और ये जो ऊपर वाली होगी क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, फोल्ड हो जाएगी, देखो इस तरीके से बन नहीं रहा स्ट्रक्चर थोड़ा सा, तो इस तरीके वो फोल्ड हो जाएगी, जैसे हम बात करें इस तरीके से देख लेते हैं, तो ये जब नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। तो ये इस तरीके से होगा, फोल्डिंग होती है। अब अगर डाइवर्जेंट होगी, मतलब इधर जाएगी एक प्लेट और एक प्लेट इधर जाएगी, तो बीच में क्या हो जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं फोल्डिंग, फॉल्टिंग, और इसको कहते हैं फोल्डिंग। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे, एक काम करना आप, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज डालना, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज बाय गाइडेड पाथ। ठीक है, तो आपको एक 51 सेकेंड की वीडियो दिखेगी, वो आप वीडियो आप ज़रूर देखनी है आपको, 51 सेकेंड की वीडियो, उसे देख लेना, आपको फोल्डिंग समझ में आ जाएगा, क्योंकि फोल्डिंग हो रही थी उधर प्लेट्स की, जिसकी वजह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है बेसिकली। ठीक है, अभी कॉपी से समझ में नहीं आया क्योंकि स्ट्रक्चर भरा नहीं बेसिकली।
नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉडली दीज मूवमेंट्स आर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी होती है, एक एक प्लेट यहाँ आती है, एक प्लेट यहाँ आती है, ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक दूसरे से अलग जाए तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, और एक ऊपर जाए और एक नीचे जाए तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, सुन में आ गया इतना। तो आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। द कन्वेक्शनल करेंट स्प्लिट क्रस्ट इन टू अ नंबर ऑफ पीसेज। जो कन्वेक्शनल क्रस्ट करंट है जो अर्थ के अंदर है, क्या है, कन्वेक्शनल करंट जो कि अर्थ के क्या है, अंदर है, वो क्या करता है, इन प्लेट्स को, जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं उनको तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रिफ्टिंग होती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लेट की आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ। सो गाइस मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि आपको फिर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी बेसिकली, ठीक है। सो मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बाय ड्राइविंग पाथ, ठीक है। सो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा, ये देखो, ये देखो आपको ये दिख रहा है, देखो टूट गया, ये किसकी वजह से टूटा, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, और ये नहीं क्या प्लेट, ये हम इंडिया वाले हैं, और ये जाके क्या हो गया, देखो जुड़ गया है, एक सेकंड देखो जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो ये जो भारी वाली प्लेट थी नीचे चली गई और जो हल्की वाली थी ऊपर आ गई, जिसकी वजह से फोल्डिंग हुई है, फोल्डिंग की वजह से क्या बने है? माउंटेन्स, क्या बने है ये माउंटेन्स, ठीक है। तो कन्वेक्शनल करंट समझ में आ गया, जिसकी वजह से जो हम बात करें कन्वेक्शनल करंट क्या है, जिसकी वजह से जो मेन मतलब पूरा जो एक लैंड होता था वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और ड्रिफ्ट करता है दूसरी तरफ, ठीक है। तो यही हुआ है हमारे साथ भी, हम क्या थे पहले, बहुत अलग थे, मतलब साउथ अफ्रीका के पार्ट हुआ करते थे, अमेरिका के सॉरी, एंड देन हम पार्ट हो गए किसके, यूरेशियन प्लेट के, क्योंकि हम जुड़ गए वहाँ पे जाके, ड्रिफ्ट होने लग गए ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। द ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। जो हम रिजल्ट जो कोलिजन हुआ वो किसके साथ हुआ, यूरेशियन प्लेट के साथ, जो कि पहले ही बहुत बड़ी प्लेट है। अब कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसमें इंडिया डिवाइडेड है बेसिकली, द हिमालय, द नदन प्लेन, द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट, एंड द इंडियन डेजर्ट, तो छः। और हम बात करें तो कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड, तो छः हैं ये हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसके बारे में हमें पढ़ना है, द हिमालय, द नदन प्लेन, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। तो इन सबके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं कितना हो पाता है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, अदरवाइज हम देखते हैं इसे अगली वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। हमारे पास हमारा राइटर कितनी बड़ी वीडियो डाल सकते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब वाला मना कर देगा कि नहीं तुम अब वीडियो नहीं डालोगे, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना, पहला है क्या हमारा, द हिमालयन माउंटेन, द हिमालयन माउंटेन, इट इज़ जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली ओल्ड माउंटेन, इट इज़ जियोलॉजिकली यंग, ये क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, मीन्स ओनली 250 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये बने थे इस टाइम पे। एंड हम बात करें अरावली हिल्स की, जो ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का, वो है 600 मिलियन ईयर्स एगो, या हम बात करें 500, ठीक है। सो ये क्या है, बहुत बड़े हैं, और ये क्या है, जियोलॉजिकली यंग है, क्या है, यंग है, बच्चे हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, एंड मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है, स्ट्रेच ओवर द नदन बाउंड्री ऑफ इंडिया, और यहाँ से नदन बाउंड्री मतलब नॉर्थ की तरफ है सारे, द फॉर्म एंड आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर एंड द विड्थ वेरीज फ्रॉम 4 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। सो जो हिमालयाज हैं इनकी जो विड्थ है, मतलब इनकी जो विड्थ है ये क्या है, वेस्ट की तरफ क्या है 400 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ क्या है 150 किलोमीटर, ये देखो, ठीक है। जो विड्थ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और जो हम बात करें डिस्टेंस कवर करते हैं 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये सबसे ऊपर वाली रेंज है हमारी, जिसको हम बोलते हैं क्या हिमाद्री या फिर अपर हिमालय। तो बेसिकली तीन हमारी रेंजेस हैं, ठीक है। अब तीन रेंजेस हैं, इसको कवर किया जाता है बाय टू रिवर्स, पहली रिवर इंडस एंड देन इसके बाद यहाँ वाली रिवर पर ब्रह्मपुत्र। तो हम बात करें ईस्ट में कौन फ्लो करता है नॉर्थ हिमालय के, ब्रह्मपुत्र, एंड वेस्ट में इंडस।
और सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, हिमाद्री और अपर हिमालय, बीच वाली लेयर को बोलते हैं हिमाचल, लेसर हिमालय, वेल नोन एज फॉर हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, बेसिकली हिल स्टेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जितनी भी हिल्स होती हैं वो सारी यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे हैं हिमाचल में। एंड हम बात करें किसकी, इसकी ये क्या है, शिवालिक्स और आउटर हिमालय। सबसे छोटी रेंज हम बात करें डिसकंटिन्यूअस रेंज, डिसकंटिन्यूअस है ना, ये बीच में गैप है, इसके बीच में क्या होते हैं गैप्स होते हैं जिसकी वजह से आना जाना होता है कहाँ पे, आगे वाली रेंजेस पर, ठीक है। तो शिवालिक्स क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है और इसको हम बोलते हैं क्या, शिवालिक्स। इधर वैलीज पाई जाती हैं जैसे देहरादून, जैसे देहरादून एग्जाम्पल है, वैलीज पाई जाती हैं यहाँ पे। देहरादून एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि सबसे बड़ी वैली है ये यहाँ की। अब हम बात कर लेते हैं हिमालय की थोड़ी सी और। द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लाइक पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस। तो हिमालयस को डिवाइड कर रखा है हमने कि किस रीजन में वो पाए जाते हैं, उस रीजन के हिसाब से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर पंजाब में पाए जाते हैं तो पंजाब हिमालयस, और हम बात करें असम में पाए जाते हैं तो असम हिमालयस, ईस्ट में पाए जाते हैं तो ईस्टर्न हिमालयस, या फिर हम बात करें पूर्वांचल, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पटका हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो ये सारी इसमें आते हैं, सारे ही इसमें आते हैं। तो ये तीन रेंजेस क्लियर है हमारे पास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी रेंज की। सो गाइस देखो, आप क्लास 9th में होगी बेसिकली, तो आपको इतना सोचना नहीं चाहिए कि भाई यहाँ कम है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना इसमें कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। बेसिकली तो इसमें एक पेज का हिमालय आ जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। द नदन प्लेन, नदन प्लेन की बात कर लेते हैं, तो हिमालय के जस्ट नीचे क्या होता है, नदन प्लेन। यहाँ पे कहीं डायग्राम होगा बेसिकली, ठीक है, तो आप देख लेना। द नदन प्लेन दिस हैज बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो जो नदन प्लेन है ये बना है बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तो ये तीन रिवर सिस्टम नदन प्लेन को क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। तो कौन कौन सी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द थ्री रिवर्स विच ड्रेन द नदन प्लेन। नदन प्लेन कहाँ पाया जाता है, जस्ट हिमालय के नीचे। द रिवर कमिंग फ्रॉम नदन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। सो नदन प्लेन क्या है हमारा, ए ग्रेडेशनल प्लेन है। क्या है, ए ग्रेडेशनल प्लेन है। ए ग्रेडेशनल प्लेन मतलब जिसमें कुछ मिलाकर बनाया जाए। तो दो तरीके से प्लेन बन सकते हैं, डिपोजिशनल और ए ग्रेडेशनल। आपके एनसीईआरटी में नहीं हो गई सो, लेकिन हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लेन दो तरीके से बन सकते हैं, ए ग्रेडेशनल और डिग्रेडेशनल। डिग्रेडेशन मतलब कुछ निकाला जाए उसमें से, और एग्रेडेशन मतलब कुछ डाला जाए उसमें। तो जो नदन प्लेन है वो क्या है, एग्रेडेशनल प्लेन है, जिसमें कुछ हम मिलाते हैं, ठीक है, कुछ डिपोजिट डिपोजिट करते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ डिपोजिट करते हैं, डिपोजिट कौन करता है, रिवर्स। क्या करते हैं, कौन करता है, रिवर्स, जो कि हिमालय से होके आती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर नाइन आइलैंड। अब जब वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं और जेंटल स्लोप होते हैं, तो जेंटल स्लोप मतलब बहुत ही हल्की स्लोप, ठीक है, ना के बराबर स्लोप होती है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है रिवर्स की, और क्या बनते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। और जो ये प्लेन है इसको डिवाइड किया गया है चार पार्ट्स में, डेल्टाइक प्लेन, पंजाब प्लेन, असम प्लेन एंड गैंगेटिक प्लेन। तो इसी में जब मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली, जब मैं एडवांस पढ़ाता हूँ, ये हम करते हैं जब लाइव सेशन करते हैं एडवांस में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो मैं जो आइलैंड है, जो हम बात करें डेजर्ट है, उसको भी इसी में जोड़ लेता हूँ, किसमें, इसमें। तो मैं फाइव टाइप्स ऑफ प्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि यहाँ पे आ जाता है हमारा थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट बेसिकली, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी में चार दे रखा तो चार से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्लेन है इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डेल्टाइक प्लेन, पंजाब प्लेन, असम प्लेन एंड गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। तो अगर इन चारों के बारे में जानना है तो हमने वीडियो बना रखी है, अगर जानना है तो देख लो, क्योंकि अभी 9th में हो बेसिकली, तो ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए किस तरीके से डिवाइड हो रखे हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, दीज आर डिवाइड इंटू फोर पार्ट्स। तो इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला भब्बर, भब्बर मीन्स हम बात करें, भब्बर क्या होता है ना कि जैसे ये क्या है, ये क्या है हिमालयस, ठीक है, ये क्या है हिमाचल, ये क्या है शिवालिक्स। अब इसके बाद चालू होता है क्या, नदन प्लेन, है ना। तो हिमालय के जस्ट बाद क्या है, नदन प्लेन। अब भब्बर क्या मार्क करता है, द भब्बर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल,
इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर इन अ विड्थ लाइन पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इज नोन एज भब्बर। सो भब्बर क्या है? जस्ट माउंटेन के बाद जो रेंज चालू होती है, माउंटेन्स के बाद जो ये वाली रेंज है, ठीक है, 8 से 16 किलोमीटर के बीच में, तो इसको क्या कहते हैं? भब्बर कहते हैं, ठीक है, बेसिकली। और उसमें पत्थर वत्थर पाए जाते हैं, पेबल्स पाए जाते हैं, इट इज मार्क बाय पेबल्स, ठीक है, ये रहा पेबल्स, ठीक है। सेकंड क्या है? वन सेकंड, सेकंड इज साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेरई। तो इसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद पाए जाते हैं स्वाम्पी एंड मार्शी, मतलब दलदली इलाका पाया जाता है इसके बाद, जिसको हम बोलते हैं क्या? तेरई। क्या बोलते हैं? तेरई बेल्ट। क्या बोलते हैं? तेरई बेल्ट। थर्ड इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फाउंड बाय ओल्डर एलुवियल नोन एज भांगर। सो उसके बाद दो डिवीजन होते हैं, भांगर एंड खादर। भांगर मीन्स भंगार बेसिकली, खादर मीन्स खादर। तो भंगार मीन्स जहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, जो फर्टिलिटी है वो कम होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भंगार और भांगर। और जो नई नई सॉइल होती है उसको बोलते हैं खादर। दोनों एलुवियल के पार्ट हैं, एक खादर है एक भांगार है। तो भांगार क्या होते हैं? न्यूअर, ठीक है, ये क्या है? ओल्डर। ये क्या है? ओल्डर। ये क्या है? न्यूअर, ठीक है। तो इसको इसलिए डिफरेंस है दोनों में। सो दो डिविजन्स हो गई हमारी, कितनी? दो डिविजन्स, द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन। तो इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में दूसरे वीडियो से पहले, तो मैं उसमें उसको और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा अगर किसी को जानना है तो। अदरवाइज़ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड अगली वीडियो में हम, हो सकता है तो चारों चीज़ें कवर कर लेंगे जो बाकी हैं, अदरवाइज़ हम फिर उसे आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी वीडियो बना देंगे, पार्ट 3 बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक बार में पढ़ने से क्या है, बोर हो जाओगे तुम भी और मैं भी हो जाऊँगा बोर, की बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, एक ही चैप्टर को लपेटे जा रहे हैं, ठीक है। सो दूसरे पार्ट में हम जानेंगे किसके बारे में, हम बात करें तो द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट, एंड देन फिर हो सकता है तो उसी में कवर करेंगे कोस्टल रीजन और हम आइलैंड्स, ठीक है, तो उसी में हो सकता है तो कवर करेंगे, अदरवाइज उसके लिए तीसरा पार्ट भी बना देंगे, क्योंकि वो फिर 6-7 मिनट का बनेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स ही ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज आपके गली के फ्रेंड को देखेंगे, हो सकता है कि आप सेम क्लास में हो बट हो सकता है आपका इंटरेस्ट अलग अलग हो, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा नॉलेज है, अगर आप किसी के साथ बांटते हो तो वो भी सोचेगा कि हाँ भाई ये किस कहाँ से पढ़ता है, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो, प्लीज़ रिकमेंड करना अगर ऐसा है तो। एंड थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ इन दिस कोरोना टाइम, बाय।